ओके फ्रेंड्स, थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है कभी कभी, फिर बड़ी मुश्किलों मुश्किलों संभालना पड़ता है सब कुछ, ठीक है। तो अभी आपका आज हमारी क्लास नंबर 35 है बायोविज्ञान, और आज हम दो किंगडम पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा एंड फंजाइन, और आप फिर हम लोग प्लांट और एनिमल, ये दो किंगडम हमारी महत्वपूर्ण रह जाएंगी, और बायोलॉजी का लगभग सिलेबस हमारा कंप्लीट, सिर्फ डिसीज बीमारियां आपकी रह जाएगी, ठीक है, और एनिमल टिश्यू वाला। फिर लोग आप कहेंगे स्केलेटल सिस्टम और रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी को भी कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं वो सारे भी क्लियर करा दूंगा। देखो सोचते हैं, उस दिन मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, सबसे पहले कितना किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, किंगडम जिसमें दो जगत होते थे, कौन कौन से, एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमली प्लांट्स, ये दो किंगडम आई, इन दोनों को किसने दिया था, इन दोनों को किसने दिया था, कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था ना। उसके बाद में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसको किसने दिया था, अर्नेस्ट हेकल ने, और उन्होंने कौन कौन से नाम जोड़े थे, एनिमल प्लांट और इस नाम दिया था, जिसका नाम क्या था, प्रोटिस्टा। फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें एनिमल थे, प्लांट थे, प्रोटिस्टा थी, और इसके अलावा एक और आ गया मोनेरा, ये किसने दिया था, कोपलैंड ने, और भैया फिर आ गया आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आर्य साहब ने दिया था, जिसमें एनिमल होते थे, प्लांट होते थे, प्रोटिस्टा होती थी, और एक और किंगडम होती थी फंजाई, ठीक है, कवक बोलते हैं जिसे, तो इसी पे हम फोकस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो सबसे पहले 1886 में, अभी आपको थोड़ा सा समझिए, आपको पता है सेल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल, एक कौन से होते हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन रहती है, न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन रहती है, न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन रहती है, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझ रहे ना बच्चा। प्रोकैरियोटिक मैक्सिमम जो होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं, कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड, कुछ कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ये एकल कोशिकीय जीव होते हैं, और कैसे रहते हैं, या कभी कभी कॉलोनी बनाकर रहते हैं। एक बात समझने वाली होगी बच्चा, यहां पर जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव जंतु थे जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती थी, केंद्रिका झिल्ली नहीं होती थी, उन सबको कौन सी उसमें रख दिया गया, अलग किंगडम, जिसका नाम क्या रखा, मोनेरा, जो हम कल पढ़ चुके हैं मोनेरा। इसमें ज्यादातर कौन से जीव जंतु आते हैं, बैक्टीरिया, मोनेरा किंगडम में ज्यादातर कौन सी आती है चीजें, बैक्टीरिया कह लो या इन्हें जीवाणु कह लो, मेरी बात समझ लेना बच्चा। प्रोकैरियोटिक जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सबको हमने खास किंग जगत में रख दिया, जिसका नाम रखा मोनेरा। इसमें मैक्सिमम क्या आती है, बैक्टीरिया, जिन्हें आप जीवाणु बोलते हो, सिंगल सेल भी होते हैं, कुछ कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। इसको क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे पुराने, सबसे प्रिमिटिव और सबसे सिंपल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रोकैरियोटिक जीव जंतु पूरे हुए। अब आ जाते हैं हम इसमें यूकैरियोटिक में, तो भाई यूकैरियोटिक में भी सेम चीज होती है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है या इनके अंदर केंद्रिका झिल्ली होती है ना, इनके अंदर क्या होती है, केंद्रिका झिल्ली, समझिएगा चीजों को बच्चा। अब केंद्रिका झिल्ली के आधार पर भी कई सारे हो गए, एक तो हो गए यूनिसेल्यूलर, कैसे हो गए यूनिसेल्यूलर, एकल कोशिकीय, कैसे हो गए भैया, एकल कोशिकीय, एकल कोशिकीय, और एक हो गए मल्टीसेल्यूलर, एक कैसे हो गए मल्टीसेल्यूलर या बहुकोशिकीय, मतलब एक तो एक कोशिका के बने हुए जिसमें एक कोशिका ही सारे काम करती है, जैसे अमीबा, अमीबा होता है ना पानी वगैरह में पाया जाता है, प्रोटोजोआ होता है, तो अमीबा क्या करता है कि इसके अंदर सिंगल सेल होता है, ये सिंगल सेल ही सारे कार्य करता है इसके पूरे। कुछ होते हैं मल्टीसेल्यूलर, जैसे हम लोग, ठीक है, और ऐसे जीव तो बाबू जिनमें पहले सोचा जाता था कि ये प्लांट के जैसे हैं, पहले सोचा जाता था कि ये प्लांट के जैसे हैं, लेकिन इनकी जो कार्य प्रणाली थी वो मिली कैसे, एनिमल्स, मतलब फंगस जो होती है ना कवक, इसको पहले ऐसा सोचा जाता था कि ये पादप जैसे हैं, प्लांट जैसे हैं, लेकिन फंगस जो होती है ना उसकी ज्यादातर विशेषताएं किससे मिलती हैं, एनिमल से। फिर उसके बारे में जब ज्यादा अध्ययन करा तो पता चला कि फंगस इन दोनों से अलग होती है,
तो इसलिए फंगस को भी एक अलग से किंगडम बना दिया गया, अलग से जगत बना दिया गया। अब देखो मल्टी सेल्यूलर तो तीन जगत हो गए, अब ये जो यूनिसेल्यूलर थे एकल कोशिकीय जीव, ज्यादातर पानी में रहने वाले, ज्यादातर पानी या एक्वेटिक एनवायरमेंट में रहने वाले, इनके लिए एक अलग से किंगडम बनाई गई जिसका नाम क्या रखा, प्रोटिस्टा। 1886 में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था हेकल साहब ने, इसने किया था अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल याद रखो कि सिंगल सेल कुछ इसमें कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप में कुछ कॉलोनी बनाकर रहते हैं, लेकिन अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मैक्सिमम यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक जीव जंतु, एकल कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जंतु को किस किंगडम में रख दिया गया, प्रोटिस्टा नाम के किंगडम में रख दिया गया। और बाकी जो बहुत सारे सेल मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें अलग अलग एनिमल्स को, एनिमल्स में जिनके ऊपर सेल वॉल पाई जाती थी, क्लोरोफिल पाया जाता था, उन्हें पादप जगत में, और बाकी को फंगस। ठीक है, कवक। ठीक है, तो हमारा भी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा बच्चा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा अच्छे से लिखते रहिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल वगैरह में, रेलवे में, हर एक चीज में इसके क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस वीडीएस सब में, आरपीए वीडियो सब में इसके क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए सबसे पहले डाल दीजिए प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा क्यों ली, ये मैं आपको भी समझा चुका हूं, क्यों इसका जन्म हुआ अलग से जगत का, प्रोटिस्टा। सबसे पहले 1886 में अर्नेस्ट हेकल ने अपनी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको जगह दी थी। किसमें दी थी, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में। इसमें सारे के सारे ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक एकल कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जंतु, एकल कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जंतु इसमें शामिल किए जाते हैं, एकल कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। कुछ इसमें कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं, सम मे लिव इन कॉलोनी, कुछ कॉलोनी आदि में भी रह सकते हैं। ठीक है भैया, ट्रियो न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, ट्रियो न्यूक्लियस होता है, वास्तविक न्यूक्लियस होता है, वास्तविक केंद्रक होता है। वास्तविक केंद्रक का मतलब आप समझते हैं ना बच्चा, वास्तविक केंद्रक ऐसा केंद्रक होता है जिसके ऊपर एक झिल्ली होती है, ये अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्या है, झिल्ली, मतलब डीएनए आरएनए किससे ढके रहते हैं, एक झिल्ली एक मेम्ब्रेन से ढके रहते हैं, तो वास्तविक केंद्रक होता है इसके अंदर। ठीक है, और ये उतार लिया प्रोटिस्टा, अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले 1886 में इसको बताया, अपने थ्री जगत तीन जगत प्रणाली में इसको सबसे पहले स्थान दिया। ऑल सिंगल सेल एक कोशिका के बने हुए यूकैरियोटिक जीव जंतु कुछ कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं, इसमें ट्रियो न्यूक्लियस पाया जाता है। कैसा न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें, ट्रियो न्यूक्लियस। उसके बाद में देखिए क्या क्या होता है इसके अंदर, ये सब इसकी फीचर्स या इसकी करेक्टरिस्टिक में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकाएं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी पाई जाती है इसमें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कहने का मतलब झिल्ली युक्त कोशिकाएं, झिल्ली युक्त कोशिकाएं भी पाई जाती है, कोशिकांग बोलते हैं जिन्हें आप, झिल्ली युक्त कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, ये झिल्ली युक्त कोशिकाएं भी प्रोटिस्टा नाम के, जो प्रोटिस्टा जगत के जीव जंतु होते हैं, इनमें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ में क्लोरोप्लास्ट भी पाई जाती है, कुछ में क्लोरोप्लास्ट भी पाई जाती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। कुछ में क्लोरोप्लास्ट भी पाई जाती हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब ये खाना खुद भी बनाते हैं और खाना दूसरों से भी लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या पाया जाता है इनमें, क्लोरोप्लास्ट भी पाई जाती है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि सेल वॉल हो भी सकती है, मे हैव सेल वॉल और नॉट। कुछ जीव जंतु जो होते हैं उनमें सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई भी जाती है, कुछ जो इसके जीव जंतु होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसमें सेल वॉल पाई जाएगी, कहने का मतलब है
कि कुछ जो जीव होते हैं प्रोटिस्टा जगत के, हम ऐसे जीव जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं बच्चा जिनके अंदर एक सेल होता है, उसी सेल से वो अपने सारे कार्य करते हैं। उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, झिल्ली युक्त कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, और उनका न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों तरफ भी केंद्रक होता है, मतलब उसके चारों तरफ भी एक झिल्ली होती है या एक मेम्ब्रेन होती है। तो हम कह रहे हैं कि इसके प्रोटिस्टा जगत में जितने भी जीव जंतु आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनमें से कुछ के अंदर सेल वॉल होती है, कुछ के अंदर सेल वॉल नहीं होती। अगर सेल वॉल होती है तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अगर सेल वॉल इनके अंदर पाई जाती है प्रोटिस्टा जगत में तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। आगे आप जाके पढ़ोगे कि एक्चुअल में प्रोटिस्टा जिनके अंदर ये सेल वॉल वगैरह पाई जाती है, क्लोरोफिल पाया जाता है, उन्हें हम एल्गी ही कहते हैं। वो एल्गी जैसे ही लगते हैं, ठीक है? वो कैसे लगते हैं? एल्गी जैसे। समझ लो, याद आ गया कि एकल कोशिकीय जीव होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ट्रू न्यूक्लियस भी पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो आपकी ये प्रोटिस्टा नाम की किंगडम है, जो ये प्रोटिस्टा नाम की किंगडम है, इसको दो भागों में बांटा गया। इसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। ऐसे प्रोटिस्ट जीव जंतु जो एनिमल्स जैसे दिखते थे, जिनका संबंध किससे था? एनिमल्स। एनिमल्स जैसे क्यों दिखते थे बाबू? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, लोकोमोशन कर सकते थे। भाई आपको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं इनका एक खासियत क्या होती है? ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव जंतु एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, लोकोमोशन, हमने कहा कि वो कैसे दिखते हैं? जैसे जंतु, जैसे एनिमल्स, और उनका हमने नाम क्या किया? प्रोटोजोआ। क्या नाम दिया? प्रोटोजोआ। जैसे मलेरिया होता है ना, मलेरिया, मलेरिया को पता है मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तो ऐसे प्रोटिस्टा के जीव जंतु जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, हमने उन्हें क्या नाम दिया? प्रोटोजोआ। कुछ भी इसमें टफ नहीं है, प्रोटिस्टा उस पूरे जगत का नाम है। अगर वो एनिमल्स के जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इफ दे कैन लोकोमोट, देन वी कॉल्ड देम प्रोटोजोआ, ठीक है? पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है। चलिए अब दूसरे वाले, जो हमें एनिमल्स जैसे नहीं लगे, प्लांट्स जैसे लगे। प्लांट्स जैसे कैसे लगे? कि उनके अंदर कोई वास्कुलर नहीं होते थे, वास्कुलर मतलब उनके अंदर कोई जाइलम फ्लोएम नहीं होता था, और वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पाए जाते थे। उनके ऊपर सेल वॉल होती थी, उनके ऊपर कैसी सेल वॉल होती थी? सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल होती थी, और उनमें फोटोसिंथेसिस होता था। तो हमने कहा यार वो प्लांट जैसे लगते हैं, और अगर वो प्लांट जैसे लगते हैं तो हमने उन्हें क्या कहा? एल्गी। हमने उन्हें क्या नाम दिया? एल्गी, ठीक है? ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकती हैं, ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकती हैं, लेकिन जो ये एनिमल जैसे प्रोटोजोआ दिखते हैं, ये हमेशा सिंगल सेल होते हैं। ये कैसे होते हैं? सिंगल सेल, एकल कोशिकीय। जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो कैसे होते हैं? एकल कोशिकीय। ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकती हैं और यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय भी और बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय से मतलब है कि कॉलोनी बनाकर भी रह सकती हैं। देखो दोनों, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो प्रोटिस्ट एनिमल जैसे लगते थे उनका नाम क्या हो गया? प्रोटोजोआ। जो प्रोटिस्ट प्लांट जैसे लगते थे, सेल वॉल होती थी, क्लोरोफिल होती थी, उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? एल्गी। समझ रहे हैं? अब हम किसकी बात करेंगे? प्रोटोजोआ की। पहले इसको समझते हैं, फिर उनको समझते हैं, फिर वो क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन आपके इनसे संबंधित आते हैं। आप इनके नोट्स बनाते चलिएगा, छोटे छोटे, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल जैसे दिखने वाले प्रोटिस्ट जीव जंतु, जो प्रोटिस्टा जगत के जीव जंतु होते हैं। तो बच्चा इनको लोकोमोशन के आधार पर, इनको लोकोमोशन के आधार पर कि एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जाते हैं, मतलब किस तरह से जाते हैं, अभी समझाऊंगा कैसे, किस तरह से जाते हैं, किस तरह से जाते हैं, उसके आधार पर बच्चा हमने इसको चार भागों में बांटा। हमने इसको कितने भागों में बांटा? चार भागों में। समझना, जो जीव जंतु फ्लैगिला की मदद से जाते थे, किसकी मदद से जाते थे? फ्लैगिला, कशाशिका, क्या बोलते हैं इसको? कशाशिका की मदद से। जो जीव जंतु फ्लैगिला की मदद से जाते थे, कशाशिका की मदद से, उनको अलग रख दिया। जो जीव जंतु सीलिया की मदद से जाते थे, उनको अलग रख दिया। सीलिया को बोलते हैं रोमा भी,
क्या बोलते हैं बच्चा, रोम आभी, रोम होते हैं ना रोम, जैसे हमारे रोम होते हैं बाल इस तरह से। तीसरे हो गए स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया इसको हमने बोल दिया कूटपाद। क्या बोल दिया हमने इसको? कूटपाद। कूटपाद मतलब फाल्स फ्रूट, फाल्स फूट। स्यूडोपोडिया को हम क्या कह सकते हैं? फाल्स फूट, कि उनके पैर नहीं होते लेकिन फिर भी वो उस उनकी मदद से चल सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कूटपाद या फाल्स फूट। और चौथे होते हैं स्पोर्स, स्पोर्स हालांकि नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, समझ गए? लोकोमोशन के आधार पर कि एक जगह से दूसरी जगह जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटिस्ट के अंदर ही आते हैं ना ये, ऐसे प्रोटिस्ट जो एनिमल जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे प्रोटिस्ट जो एनिमल जैसे दिखाई देते हैं, हमने उनको क्या नाम दिया? प्रोटोजोआ। अब हमने उन प्रोटोजोआ को चार भागों में बांटा, एक लोकोमोशन के आधार पर जिनके अंदर फ्लैजिला होता था, सीलिया, स्यूडोपोडिया, स्पोर्स। एक एक करके समझाता चलूंगा, फ्लैजिला से कैसे, सीलिया से कैसे, स्यूडोपोडिया से कैसे और स्पोर्स से कैसे। बस आप सब्र रख के और इनको लिखते रहिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में कोशिश कर रहा हूं। अच्छी लगे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ना अच्छी लगे कोई बात नहीं, ठीक है? चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले हमने किसका देखा कि ऐसे प्रोटोजोआ जो एक जगह से दूसरी जगह किसकी मदद से जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किसकी मदद से जाते हैं? फ्लैजिला की मदद से, ठीक है? तो हमने उनको बोल दिया, तो इसकी पहली फाइलम होगी, इसकी पहली फाइलम संघ, संघ ओके। किंगडम के बाद में क्या आ जाता है? के पी सी ओ एफ जी एस, स्पीसी सबसे छोटा, किंगडम के बाद में क्या आ जाता है? फाइलम। तो जो फ्लैजिला से चलते थे, जिनमें फ्लैजिला लोकोमोशन होता था, जिनके अंदर फ्लैजिला अशाशिका लोकोमोशन का कार्य करते थे, उनको हमने बोला जू फ्लैजिलेट्स, जू फ्लैजिलेट्स। जू माने ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर किसकी मदद से वो लोकोमोशन करते हैं? फ्लैजिला की मदद से। इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा ट्रिप्नासोमा गैम्बाइसी, ट्रिप्नासोमा गैम्बाइसी, गैम्बाइसी इसका नाम याद आया? ये वो ट्रिप्नोसोमा गैम्बाइसी, ये वो प्रोटोजोआ है जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, सोने की जो बीमारी होती है, नींद की जो बीमारी होती है। तो ट्रिप्नासोमा गैम्बाइसी एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो एक जगह से दूसरी जगह किसकी मदद से जाता है? फ्लैजिला। अब फ्लैजिला होता क्या है? तो ये हो गया हमारा उसकी सेल बॉडी, ठीक है? ये ट्रिप्नासोमा की क्या होगी? सेल बॉडी। ये हो गया उसका न्यूक्लियस, यहां पे उसकी होगी बाकी ऑर्गेनेल्स। इसके साथ एक इस तरह की पूंछ सी होती है, ये इस पूंछ को इधर उधर इधर उधर, जैसे प्रोपेलर नहीं होता शिप का, शिप का प्रोपेलर इधर उधर करता रहता है, इसको हिला हिलाकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो फ्लैजिला वालों को हमने क्या नाम दिया? जू फ्लैजिलेट्स, इसका एक एग्जांपल हो गया ट्रिप्नासोमा गैम्बाइसी, जिससे कौन सी बीमारी होती है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, नींद आने की बीमारी। फ्लैजिला ये वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? फ्लैजिला, जो कौन से प्रोटीन का बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है जिसका नाम होता है फ्लैजिलिन। क्या प्रोटीन का नाम होता है उसका? फ्लैजिलिन, ठीक है भैया? यहां तक समझ में आया? जिसके अंदर फ्लैजिला होता था, उन्हें जू फ्लैजिलेट्स पहली फाइलम, और इसका एग्जांपल हो गया ट्रिप्नासोमा गैम्बाइसी जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, क्योंकि प्रोटोजोआ हमारे लिए कुछ पैथोजेंस भी होते हैं, हमारे लिए कुछ बीमारियां भी फैलाते हैं। उसके बाद में आ जाता है सीलियोफोरा, सेकंड फाइलम आ जाती है सीलियोफोरा। तो इसको तो नाम से आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर क्या होते हैं? जो सीलिया होते हैं, रोमा भी होते हैं, सीलियोफोरा मतलब इसमें किसकी मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? सीलिया की मदद से या रोमा भी की मदद से, ठीक है? इसका एग्जांपल हो जाएगा पैरामीशियम, इसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा? पैरामीशियम, पैरामीशियम। बाबू जो ये पैरामीशियम होता है ना, आपने कई बार ये बचपन में सुना होगा, आठवीं नौवीं में जब आप पढ़ते थे, पैरामीशियम में एक प्रोटोजोआ होता है, अच्छे से याद रखना। पैरामीशियम क्या होता है? एक प्रोटोजोआ, इस तरह की बॉडी होती है ये, इसका न्यूक्लियस हो जाता है बच्चा, ठीक है? अब ये इसके ऊपर, इसके बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे बाल से निकले रहते हैं, रोम से निकले रहते हैं, ठीक है? और जैसे पंख नहीं होते, ऐसे 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 करके ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, इसी से खाना भी पकड़ लेता है। इन बालों की मदद से जो ये आपका सीलिया होता है, पैरामीशियम होता है, इनको सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया, ठीक है? उसमें तो फ्लैजिला
होता था इस तरह से, इसमें क्या होते हैं सीलिया, इन सीलिया की मदद से ये अपना खाना भी पकड़ लेता है और एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर लेता है। तो कौन सी फाइलम होगी, सीलियोफोरा। आए कि सीलियोफोरा फाइलम के जो जीव जंतु होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, वो किसकी मदद से मूव करते हैं, सीलिया। एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, पैरामीशिया। चलिए बहुत अच्छे, दोनों समझ में आ रहे होंगे अभी तक आपको। ये जो अभी बायोलॉजी चलेगी ना चार पांच दिन, ये ऐसी है बच्चा जिसमें समझ कमाना है आपको, इसको आपको याद ज्यादा करना है, ठीक है ना। बारिश हो रही है, परेशान मत होना तेज, ठीक है, अब आ जाए। तो तीसरे हो जाते हैं बच्चा हमारा, तीसरी फाइलम का नाम होता है सेकोरडिनियंस। सेकोरडिनियंस, डिनियंस, ठीक है, सेकोरडिनियंस। ये वो वाले जीव जंतु होते हैं जो स्यूडोपोडिया की मदद से मूव करते हैं। किसकी मदद से मूव करते हैं, स्यूडोपोडिया या कूटपाद। कूटपाद एग्जांपल से तुरंत समझ जाओगे, इसके एग्जांपल से आप तुरंत समझ जाओगे, अमीबा। अमीबा होता है ना, ये तो सबसे पहला प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन आता है अमीबा क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है या फंगस है। तो अमीबा क्या है बाबू, एक प्रोटोजोआ है। किस किंगडम में आता है, प्रोटिस्टा नाम के किंगडम में आता है, ठीक है, अमीबा। तो देखो अमीबा की जो सेल बॉडी होती है ना, सिंगल सेल तो होता है, कुछ इस तरह का होता है। अब ये क्या करता है, जब इसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो अपने सारे लिक्विड को एक तरफ इकट्ठा कर देता है, सारे लिक्विड को अपने अंदर क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, और कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी को प्रोपेल कर देता है उससे, फिर दूसरा, फिर और प्रोपेल करके तीसरा, और इन्हीं स्यूडोपोडिया की मदद से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमारी उंगली होती है ना, उंगली जैसे हमारे फिंगर होते हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इसके बीच में खाना रख लेता है और धीरे धीरे फिर यहाँ से खाना क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, खाना शरीर में अंदर आ जाता है। तो स्यूडोपोडिया की मदद से ये मूव करता है, अपने खाने को लेता है। तो इसके जो फूट है ये कैसे, एक्चुअल तो इसके पैर है नहीं, लेकिन ये पैर बना देता है जब इसको जरूरत होती है अपने सेलुलर बॉडी से, अपने साइटोप्लाज्म को एक जगह इकट्ठा करके, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फास्ट फूट या फूट पाद। तो जो कूटपाद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं क्या कहते हैं, सेकोरडिनियंस। अमीबा इसका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। मैं पूछूंगा जब क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आपको पता होना चाहिए कि अमीबा किस फाइलम का हिस्सा है, सेकोरडिनियंस। इसका एक और एग्जांपल होता है एंट अमीबा, जिससे डाइसेंट्री होती है, लूज मोशन होते हैं। एंट अमीबा आपको याद हो तो, एंट अमीबा से कौन सी बीमारी होती है, डाइसेंट्री। छोटा छोटा यहाँ पे याद कर लो, फिर बीमारी अच्छे से कराऊंगा तब आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। एंट अमीबा क्या होता है, डाइसेंट्री। तीन हो गए छोटा, ठीक है, जो स्पोर्स से करते थे। चौथी किंगडम क्या होगी इसकी, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ ये क्या होते हैं बच्चा, ये अगमनीय होते हैं। अगमनीय मतलब ये एक जगह ही रहते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इनके पास ना सीलिया होता है, ना इनके पास फ्लैजिला होता है, और ना ही इनके पास स्यूडोपोडिया होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। और ये किसकी मदद से चलते हैं, जो हमारा सेलुलर फ्लूइड होते हैं, जो हमारे बॉडी फ्लूइड होते हैं, सेल के अंदर जो बॉडी फ्लूइड होते हैं ना, उन बॉडी फ्लूइड शरीर के द्रव के साथ चलते हैं, शरीर के द्रव के साथ। कैसे पता चलेगा आपको अभी, प्लाज्मोडियम। इसके एक एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये जो प्लाज्मोडियम है, इसको आपको याद हो रहा होगा, कौन सी बीमारी फैलाता है हमारे शरीर में, मलेरिया। प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी के लिए जिम्मेदार है, मलेरिया। मलेरिया, ठीक है, मच्छर लेके चलता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है ये प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ होता है, ये खुद तो चल नहीं सकता, अगमनीय होता है। तो ये क्या करता है, जो मच्छर होता है, मच्छर का जो लार्वा होता है, मच्छर का जो लार होती है, उस लार में जब वो हमारे, उस लार को हमारे बॉडी में डालता है, तो ये हमारे रक्त में आ जाता है, हमारे ब्लड में आ जाता है, और ब्लड से पूरे शरीर में फैल जाता है, हमारे बॉडी फ्लूइड से पूरे शरीर में फैल जाते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है ना, बॉडी प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का कीटाणु होता है, प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ। ये हमारे आरबीसी से तो फैलता है पूरे शरीर में, आरबीसी को तो निशाना बनाता है। तो कहने का मतलब है ऐसे वालों को क्या बोलते हैं, स्पोरोजोआ, ठीक है बाबू। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फालसी पैरम करके कुछ इसका नाम है, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम फालसी पैरम सबसे ज्यादा मलेरिया फैलाने के लिए ये जिम्मेदार होता है। हालांकि प्लाज्मोडियम के
की जितनी भी वेराइटी होती है वो सब मलेरिया फैलाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मृत्यु होती है ना, सबसे ज्यादा जो डेंजरस मलेरिया वो कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। ठीक है बेटा, ये अच्छे से आपको याद हो गया होगा स्पोरोजुआ। अब मुझे फटाफट से बताओ कि जो प्रोटिस्ट में एनिमल जैसे दिखने वाले होते हैं उनको हम प्रोटोजुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोजुआ। वो कितने तरीके से लोकोमोट करते हैं, उनको लोकोमोशन के आधार पर कितने पार्ट्स में बांटा गया है, फटाफट से उन पार्ट्स के नाम दे दो मुझे, और हो सके तो एक एक एग्जांपल। इतने में आपको अगर आगे बढ़ता हूं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट पढ़ाता हूं। एलगी थोड़ा लंबा टॉपिक है, फिर फंजाई भी है, लेकिन ये खत्म हो गया तो फिर हम प्लांट्स पे आ जाएंगे जिसका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, और ग्रुप डी से पहले हमारा प्लांट्स भी खत्म हो जाएगा। बताइए फटाफट, शाबाश, मैं देख रहा हूं आपकी कमेंट्स को। गुड गुड। चार होते हैं, चारों के टाइप बताओ ना बेटा, किस किस से चलते हैं वो। गुड। फ्लैजिला, सीलिया, स्यूडोपोडिया और स्पोरोजोआ। एक एक एग्जांपल दे दो, याद हो तो आपको थोड़ा बहुत। बिल्कुल सही, ट्रिप्नासोमा फ्लैग वाले का एग्जांपल हो गया, प्लाट और वो पैरामीसियम सीलिया का, और अमीबा स्यूडोपोडिया का, और ये वाला आपका लास्ट वाला जो था प्लाज्मोडियम, ये स्पोरोजोआ। चलिए अब आते हैं उस पे, दूसरे वाले पे। आपने अभी पढ़ा था कि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, कैसे प्रोटिस्ट? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं ना, एल्गी, तो वहीं से याद करते हैं एल्गी। तो इसके कई सारी फाइलम होती है। क्या होता है इसमें? इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, क्या होता है इसके अंदर? क्लोरोफिल। अपना खाना खुद बनाती है, और ये मुख्य समुद्री भोजन होता है, ये समुद्री जीवों का मुख्य भोजन होते हैं, समुद्री जीवों का मुख्य भोजन, प्राइमरी प्रोड्यूसर इन ओशियंस, मुख्य भोजन जिसको आप प्लांकटन बोलते हो, बोलते ना प्लांकटन, फाइटोप्लांकटन, जो सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं, प्लैंकटन, मछली और भी समुद्र में रहने वाले, सी में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अदर, वो सब इन प्लांकटन पे ही डिपेंड रहते हैं, फाइटोप्लांकटन, जूप्लांकटन। तो आप किसके लिए बोलते हो? जो प्लांट से दिखने वाली प्रोटिस्ट होते हैं, जिसका आपने क्या नाम दिया है? एल्गी। क्यों बोला? उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, सेल्युलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है, और वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस में। ओशियंस में कैसे होते हैं वो लोग? प्राइमरी प्रोड्यूसर, मुख्य उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी फाइलम देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। पहली फाइलम होती है क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा। बच्चा इसमें क्वेश्चन आता है, छोटा छोटा चीजों को नोट करते रहिएगा। क्लोरोफाइटा, पहली फाइलम कौन सी है? क्लोरोफाइटा। इसको ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइटा फाइलम को क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी, हरी एल्गी या हरी शैवाल। और ये फ्रेश वाटर होती है, ये मेनली कैसी होती है? ग्रीन एल्गी, हरित शैवाल, हरित शैवाल, और ये साफ पानी में, फ्रेश वाटर में, ताजे पानी में पाई जाती है। ठीक है, ताजे पानी की ये एल्गी है। कौन सी? क्लोरोफाइटा के जो जीव होते हैं उन्हें ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। उसके अलावा सेल वॉल होती है, वो तो मैं बता ही चुका हूँ। सेल वॉल किसकी होती है? इनकी, सेल्युलोज प्लस पेक्टिन, सेल्युलोज और पेक्टिन की बनी हुई इनकी सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है। इसका एग्जांपल हो जाता है आपका स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, उल्वा, वॉलबॉक्स, क्लेडीमोनास, क्लेडोमोनास, ये क्या होती है बच्चे? इसकी एग्जांपल होते हैं। ग्रीन एल्गी होती है, फ्रेश वाटर होती है, सेल वॉल सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। एग्जांपल आता है स्पाइरोगायरा, उल्वा, वॉलबॉक्स, क्लेडीमोनास, ये कौन सी फाइलम के हैं? क्लोरोफाइटा। इनका दूसरा नाम क्या है? ग्रीन एल्गी। ये किसमें पाई जाती है? फ्रेश वाटर में। इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की सेल वॉल। तो क्लोरोफाइटा, ग्रीन एल्गी, हरित शैवाल, ताजे पानी में, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन की होती है। स्पाइरोगायरा, उल्वा, वॉलबॉक्स और क्लेडीमोनास, ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं पहली वाली फाइलम के।
चलिए नेक्स्ट आता है सेकंड क्लोरोफाइट होगी, नेक्स्ट आ जाती है दूसरी, दूसरी को बोलते हैं फाइलम रोडोफाइटा, रोडोफाइटा को रेड एल्गी भी बोलते हैं, रोडोफाइटा को क्या बोलते हैं, रेड एल्गी या लाल शैवाल, लाल शैवाल, रोडोफाइटा को क्या बोलते हैं बच्चा, रेड एल्गी या लाल शैवाल। इसमें से कुछ इस ये रेड एल्गी जो होती है इससे हमें कुछ सब्सटेंस प्राप्त होते हैं, लिख लेना अच्छे से इसको, हमें इससे कुछ पदार्थ प्राप्त होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल हैं, एक होता है अगर, अगर और केराजीन, अगर एंड केराजीन, इनको लिख लेना बेटा, अगर एंड केराजीन, केराजीन, ये कुछ हमें सब्सटेंस प्राप्त होते हैं। क्या होता है इनका काम, ये जो आइसक्रीम वगैरह होती है, आइसक्रीम आदि को स्टेबलाइज करने के लिए ठीक करने के काम आता है, आइसक्रीम आदि को क्या करने के काम आता है, ठीक मोटा करने के, स्टेबलाइज करने के। उसके अलावा जो टूथपेस्ट में क्रीमी टेक्सचर होता है ना, टूथपेस्ट में क्रीम जैसा जो टेक्सचर टेक्सचर आता है, क्रीम सी लगती है ना देखने में टूथपेस्ट, तो उसके लिए भी कौन सा जिम्मेदार होता है, केराजीन। तो क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूजफुल फॉर थिकनिंग दी मिल्क प्रोडक्ट्स आइसक्रीम एक्सेट्रा या टू स्टेबलाइज आइसक्रीम, तो आइसक्रीम को मोटा थिक करने का, गाढ़ा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है केराजीन। और अगर नाम का जो सब्सटेंस होता है ये बैक्टीरिया आदि को ग्रो करने के काम आता है, जो जीवाणु होते हैं ना इनको लैब में इनकी संख्या बढ़ाने के काम आता है, ठीक है। जो अगर होता है बच्चा वो बैक्टीरिया जीवाणु की लैब में संख्या बढ़ाने के, और केराजीन आइसक्रीम को थिक और टूथपेस्ट इससे प्राप्त होते हैं हमें रेड, आर से रेड, आर से रोडोफाइटा, ठीक है भैया। इसका एग्जांपल हो जाता है नूरी, नूरी एंड जेलिडियम, नूरी एंड जेलिडियम, इनको फूड के रूप में भी खाया जाता है, इनको फूड के रूप में भी खाया जाता है, याद रखना। ये मेनली एक्वेटिक होती है, मेनली कैसी रहती है, एक्वेटिक, पानी में इनका कोई ना कोई संबंध होता है, बिना एल्गी बिना पानी के नहीं होगी, मतलब पूरा प्रोटिस्टा ग्रुप जो है वो एक्वेटिक प्लेस पे पाया जाता है, पानी पर ही पाया जाता है। अगर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए और केराजीन आइसक्रीम को थिक, टूथपेस्ट को क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। रेड एल्गी किस फाइलम का हिस्सा है, रोडोफाइटा, इसका हिस्सा है बच्चा रोडोफाइटा। नेक्स्ट आ जाता है आपका फाइलम फाइटोफाइटा, तीसरा आ जाता है फाइलम फायोफाइटा, फाइलम फायोफाइटा, इसको ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। मैराइन वाटर में पाई जाती है, ओशियंस में पाई जाती है, ब्राउन शैवाल कहते हैं, मल्टीसेल्यूलर भी होती है, कॉलोनी वगैरह में रहती है। और इसका एक एग्जाम्पल है सारगासम, सारगासम क्या है, एल्गी है, तो इसका एग्जाम्पल है अटलांटिक ओशियन में हजारों मतलब बहुत सारे किलोमीटर में ब्राउन ब्राउन एल्गी फैली रहती है, उसका कलर चेंज हो जाता है वाटर का, तो किसकी वजह से होता है, सारगासम की वजह से, ठीक है। ये एग्जांपल है इसका सारगासम, रॉक वीड भी कहते हैं इसको, अगर ये चट्टानों पर जमने लगे तो इसको क्या कहते थे, रॉक वीड। अगर यही जो ब्राउन एल्गी है ये बड़ी हो जाए, काफी बड़ी बड़ी, काफी ऊंची ऊंची, तो इसको क्या कहेंगे, कैल्प्स, क्या कहते हैं बच्चा, कैल्प्स, लिख लो इसको, क्या कहेंगे, कैल्प्स, ठीक है। जब ये बहुत ऊंची ऊंची हो जाती है, लंबी लंबी हो जाती है, मल्टीसेल्युलर होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, कैल्प्स। और इसका एग्जांपल है लैमिनेरिया, लैमिनेरिया इसका एक एग्जांपल, इससे जो सब्सटेंस इसका जो एग्जांपल है और वो है लैमिनेरिया, लैमिनेरिया नेरोसाइटोसिस, ये सब लैमिनेरिया जो होता है ये खाया भी जाता है, इसको सी फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें सोडियम पोटेशियम आयोडीन ये सब बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। ये जो कैल्प्स हैं ये सोडियम पोटेशियम आयोडीन देने के लिए हमें बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहते हैं। तो जो फायोफाइटा होता है इसको ब्राउन एल्गी कहते हैं, बड़ी ब्राउन एल्गी को कैल्प्स कहा जाता है, ओशियंस में इसके कैल्प्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, समुद्र के तल में, ठीक है, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कैल्प्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची एल्गी होती है, फॉरेस्ट होता है पूरा का पूरा जंगल कैल्प्स का, ठीक है। सारगासम रॉकवीड और ये
ओशियन में कलर बदलने के लिए भी पानी का जिम्मेदार होती है। लेमिन एरिया सी फूड, इससे हमें पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम और आयोडीन की भरपूर मात्रा में प्राप्ति होती है। इनसे हमें एक सब्सटेंस भी मिलता है जिसका नाम होता है एल्गिन। ब्राउन एल्गी से हमें एक सब्सटेंस भी मिलता है जिसका नाम होता है एल्गिन, जो क्रीम लोशन, जो क्रीम लगाते हैं ना, लोशन वगैरह चेहरे वगैरह पर, उसमें इस्तेमाल करने के काम आता है एल्गिन। इससे प्राप्त होता है ब्राउन एल्गी से, जिस तरह से हमें केराजीन किससे प्राप्त होता था रेड एल्गी से, इसी तरह ब्राउन से क्या प्राप्त होता है एल्गिन। चलिए इनको जब बार बार याद करोगे तब जाके याद होंगे। नेक्स्ट आ जाता है फाइलम पाइरोफाइटा, चौथी क्या आ जाती है फाइलम पाइरो। तो पाइरो से तो नाम ही समझ में आ गया होगा आपको, फायर, पाइरो का मतलब क्या होता है फायर, तो इसको फायर एल्गी भी बोलते हैं। इसका रंग जो होता है थोड़ा सा आग के कलर का होता है, क्या बोला जाता है इसको फायर। क्यों होता है इसका आग के कलर सा रंग, क्यों ए बी और जेंटोफिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, क्लोरोफिल ए बी और जेंटोफिल। इसमें चमक भी होती है जैसे आग लग गई हो, बायोल्यूमिनिसेंस। क्या होता है इसमें, जैसे आग लग जाती है ना, बायोल्यूमिनिसेंस, चमक होती है, इसलिए इसको फायर एल्गी भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें जैसे जुगनू नहीं होते, जुगनू के अंदर पीछे चमक आती रहती है, इसी तरह बायोल्यूमिनिसेंस इसमें शो होती है। कौन सी एल्गी में, फायर एल्गी, और किसमें रखी जाती है, पाइरोफाइटा। इसका एग्जाम्पल है किरेटिनम, किरेटिनम एंड गोनी ओलॉक्स, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। पॉइजनस होती है ये, कैसे होती है, पॉइजनस होती है। ए बी जेंटोफिल के कारण फायर एल्गी बायोल्यूमिनेसेंस शो होती है। एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके क्रिएटिनम एंड गोनी ओलॉक्स, ठीक है भैया। इसका नाम क्या हो जाता है, पाइरोफाइटा। एक और होती है इसमें साइकोफाइटा करके, उसको हम रहने देते हैं। एक और होती है इसमें, इसको क्या बोलते हैं, चलिए ये हो गई आपकी एल्गी वाला, जितना भी प्लांट से दिखने वाले प्रोटिस्ट होते हैं उनकी एल्गी, एक साइकोफाइटा करके होती है। नेक्स्ट आता है जिसको शायद ब्लू एल्गी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसमें यूजफुल क्या होता है, प्रोटिस्ट हमारे लिए यूजफुल क्या होते हैं, हार्मफुल क्या होते हैं। तो भाई हार्मफुल तो ये बीमारियां फैलाते हैं, बहुत सारी क्या देते हैं, बीमारियां देते हैं, ठीक है, बहुत सारी क्या देते हैं, बीमारियां देते हैं। कुछ एनिमल्स में बीमारियां लगती हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया स्लीपिंग सिकनेस होती है इनसे, नींद आने की बीमारी, और क्या होती है, मलेरिया होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी, इसी तरह प्लांट्स में भी बहुत सारी इसमें बीमारियां होती हैं। अब बात करते हैं यूजफुलनेस, तो कुछ तो हमें कमर्शियल सब्सटेंस प्राप्त होते हैं, कुछ हमें क्या प्राप्त होते हैं इससे, कमर्शियल सब्सटेंस, जैसे एल्गिन, अगर केराजीन, ये सब्सटेंस हमें प्राप्त होते हैं ना सारे के सारे। इसके अलावा एक लिंग्बिया करके एक प्रोटिस्ट होता है जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। कमर्शियल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं एक्वेटिक सिस्टम, जो ओशियन होता है उसमें ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, यही खाना बनाते हैं जिसको बाद में फिश मछली आदि खाती हैं। मिनरल्स आदि मिलते हैं, अभी मैंने बताया था जैसे लेमन एरिया खाने से सोडियम पोटेशियम आयोडीन मिलेगा, और बाकी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, क्यों, हमारे अंदर ये बीमारियां फैलाते हैं। चलिए क्लियर हो गया प्रोटिस्ट, मुझे लगता है कि अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको प्रोटिस्ट के बारे में सारी जानकारी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर क्वेश्चंस के रूप में करोगे, अगर आप ल्यूसेंट से पेज नंबर अभी बता दूंगा तो भी आपको और अच्छा लगेगा क्वेश्चंस करने में। या कल मौका मिल गया, कल कौन सा दिन है, शुक्रवार है शायद, शनिवार, तो कल मौका मिल गया तो कल मैं करा दूंगा इसको। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, किंगडम फंजाई, कौन सी आ जाती है किंगडम, क्योंकि बच्चा अगर इसको क्लास को यहीं पे छोड़ सकता हूं मैं, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता, मुझे फंजाई भी कराना है जिससे मैं प्लांट वगैरह के लिए नोट्स तैयार कर सकूं। कब सबसे पहले इसको 1969 में आरएच विट्टेकर ने, जो आरएच विट्टेकर साहब थे, उन्होंने अपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में लिया था। किसमें लिया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको लिया था। समझते चलिएगा, ये दिखने में कैसे होते हैं प्लांट के जैसे, रिजेंबलेंस कैसी होती है इनकी, रिजेंबलेंस जैसे वो छतरी टाइप देखा होगा ना आपने, छतरी टाइप का प्लांट जैसा लगता है, रिजेंबलेंस तो इनकी प्लांट जैसी होती है, बट
ये एक्चुअल में रिलेटेड किससे होते हैं? एनिमल्स से, बट रिलेटेड टू एनिमल्स, रिलेटेड टू एनिमल्स, ठीक है। कैसे होते हैं? ज्यादातर ये जंतु से संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होते हैं? जंतुओं से। दिखने में बेसिक प्लांट जैसे हों, लेकिन इनकी करेक्टरिस्टिक या विशेषताएं जो है वो कैसे होती है? एनिमल जैसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉन क्लोरोफिलस, नॉन क्लोरोफाइलस, क्लोरोफाइलस मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाई जाती। बाकी बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल हो सकती थी, मोनेरा में मतलब मोनेरा वालों में भी क्लोरोफिल हो सकती थी, प्रोटिस्टा वालों में भी हो सकती थी, प्लांट में भी हो सकती है, लेकिन फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होती। क्लोरोफिल का अभाव, क्लोरोफिल का अभाव। अब बताओ अगर ये क्लोरोफिल नहीं है इसमें, तो ये तो खुद खाना नहीं बना सकते। इसका मतलब ये खाने के लिए पूरी तरीके से किस पर डिपेंड होते हैं? दूसरों पर डिपेंड होते हैं। खाने के लिए पूरी तरीके से किस पर डिपेंड होते हैं? दूसरों पर। नॉन क्लोरोफाइलस जंतु से संबंधित, ठीक है, क्लोरोफिल का अभाव होता है। उसके बाद में न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड मतलब झिल्ली होती है, केंद्रिका झिल्ली होती है। उसके बाद में नॉन वास्कुलर, नॉन वास्कुलर, नॉन वास्कुलर, इनके अंदर वाही वाहिनियां नहीं होती, वाहिनियां नहीं होती, मतलब इनके अंदर ऐसा होता है कि पानी को कोई और लेके जा रहा है, खाने को कोई और लेकर जा रहा है, वो भी नहीं होता। नॉन वास्कुलर होते हैं, न्यूक्लिएटेड केंद्रिका झिल्ली, नॉन वास्कुलर वाहिनियां नहीं होती, ठीक है, वाहिनियां नहीं होती। तो इसका मतलब प्लांट की कौन सी श्रेणी से ताल्लुक रखते हैं? थैलोफाइटा। इनकी जो रचना होती है उसमें कहां जड़ है, कहां बॉडी है, इन सब का क्या होता है? भाव होता है, मतलब बॉडी डिफरेंशिएशन नहीं, बॉडी डिफरेंशिएशन इनमें नहीं होता कि कहां पे जड़ है, कहां पे स्टेम है, कहां पे पत्तियां हैं, ऐसा भी नहीं होता। फिर से समझ लो, क्लोरोफिल नहीं होती, न्यूक्लिएटेड होते हैं, केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है, नॉन वास्कुलर वाहिनियां नहीं होती, थैलोफाइटा बॉडी में डिफरेंशिएशन नहीं होता। आगे पढ़ेंगे, बॉडी में डिफरेंशिएशन नहीं होता। नेक्स्ट आ जाते हैं, जब बॉडी में डिफरेंशिएशन नहीं होता, सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ फंगाई को, स्टडी ऑफ फंगाई को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ फंगाई को बोला जाता है कवक का अध्ययन। कवक का अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है बच्चे? माइकोलॉजी। सेल वॉल, जो इनकी सेल वॉल बनी होती है वो होती है, होता तो ये सेल्युलोज जैसा है लेकिन थोड़ा केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसका नाम क्या होता है? काइटिन। अच्छे से याद कर लेना, इसकी किसकी बनी होती है सेल वॉल? काइटिन, काइटिन की, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। आपने जब, अब जैसे मानसून का मौसम चल रहा है, आपने देखो वो जो नीम वगैरह होते हैं, पुराने पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में से छोटे छोटे छतरी जैसे मूव आते हैं, छतरी जैसे। अब अगर आप इस छतरी को निकालोगे और इसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो कॉटन जैसे धागे, छोटे छोटे कॉटन जैसे धागों में नहीं टूट जाती है? कभी बाबू आपने देखा होगा, तो अगर आप इस छतरी सी को तोड़कर देखोगे तो छोटे छोटे कॉटन जैसे धागों में टूट जाती है, टूट जाती है ना। तो इसका मतलब जो कवक की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट जो फंगजाई की होती है, उनको बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं बाबू? हाइफा। ये जो छोटे छोटे कॉटन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, कॉटन जैसे धागे, इनको क्या बोलते हैं? हाइफे। और हाइफे का जो नेटवर्क होता है, जो इसकी बॉडी होती है, हाइफे का जो नेटवर्क होता है जिससे हाइफे जुड़े रहते हैं आपस में, उसको बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। और माइसीलियम दिखाई नहीं देता, जो अगर आप बॉडी देखोगे ऐसी, तो ये माइसीलियम नीचे छुपा रहता है, हिडन रहता है, ठीक है, माइसीलियम दिखाई नहीं देता। फिर से समझ लीजिए, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है फंजाई की? हाइफा, छोटे छोटे कॉटन जैसे धागे, और हाइफे के नेटवर्क को आप क्या कहते हो? माइसीलियम। सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। अच्छे से याद कर लेना, माइसीलियम, माइकोलॉजी, हाइफा, हाइफाई, छोटा छोटा धागे, ठीक है। चलिए यहां से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें सब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका
हीटरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरों से खा लेते हैं, हीटरोट्रॉफिक होते हैं। और हीटरोट्रॉफिक में हर तरीके का विविध पोषी होते हैं, हर एक तरीके का तरीका अपनाते हैं। जैसे ये पैरासाइट भी होती है, कैसे होती है, पैरासाइट भी होती है, किसी होस्ट पर परजीवी भी होती है, दूसरे पर जीवित रहती है, दूसरे का भोजन लेती है, परजीवी भी होती है, सेप्रोफाइटिक भी होती है। कैसे होती है, सेप्रोफाइटिक, मृत जीवी। ये जितने भी पेड़ पौधों से पत्तियां वगैरह गिर जाती हैं, इनको डिकम्पोज करने के काम आती है। ये डिकम्पोज नहीं होती तो कैसा लगता, ठीक है। सबसे अच्छा मौसम होता है ऑटम में, जाओ जो पत्तियां वगैरह गिर गई हैं तब सबसे ज्यादा फलदायी आपको मिलेंगी। सेप्रोफाइटिक मृत जीवी भी होती है, सिम्बायोटिक भी होती है। कैसे होती है, सिम्बायोटिक, सहजीवी, दोनों एक साथ मिलके भी कार्य करती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधे होते हैं हायर प्लांट्स, कुछ हायर प्लांट्स होते हैं पेड़ पौधे, हायर प्लांट्स, उनके जड़ों में, जो उनकी जड़ होती है रूट्स में, यहाँ पर एक फंजाई पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, फंजाई, इसको बोलते हैं माइकोर, माइकोहोर्जिया करके कुछ इसका नाम होता है, ठीक है, माइकोहोर्जिया। तो कहने का मतलब रूट्स में जो फंजाई पाई जाती है ये इसकी बॉडी को पेनिट्रेट कर लेती है। ये नीचे से क्या देती है, प्लांट्स को वाटर देती है, प्लांट को क्या देती है, वाटर वगैरह देती है, जो पुराना प्लांट होता है, हायर प्लांट होता है, वाटर, मिनरल। और ये खाना बनाता है, ये खाना बना के किसको दे देता है, फंजाई को। तो जब दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ काम कर रही होती हैं, एक ने खाना, वाटर मिनरल्स दिए, दूसरे ने खाना बनाया, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक या सहजीवी। क्या कहते हैं बाबू, सिम्बायोटिक या सहजीवी, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। तो हीटरोट्रॉफिक में तीनों तरीके से कार्य करती है, पैरासाइटिक होती है जैसे एथलीट फुट, रिंगवर्म, तो हमें बीमार कर देती है, मृतजीवी होती है, मृत चीजों से, जैसे मैंने बताया पेड़ पौधे जो मर जाते हैं उनको डिकम्पोज करने का कार्य करती है। और जैसे राइजोपस, राइजोपस होती है ना, आपने देखा होगा जो ब्रेड या रोटी होती है उनपे जो हरे हरे कलर की फफूंद लग जाती है, वो वाली सिम्बायोटिक होती है, जैसे लाइकन में या माइकोऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ये ठीक ठीक करने की मुझे आदत लग गई है, अब पता नहीं ठीक होता है नहीं होता है, लेकिन मैं बोल देता हूँ। ओके, अभी तक भी किसी ने लाइक शेयर नहीं किया हो तो प्लीज कर लेना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इन सबको पेपरों में दिखाऊंगा आपको। ओके, चलिए अब बात करते हैं, इसकी चार डिवीजन होती है, इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, उसकी चार डिवीजन होती है। मैंने क्या बताया था, जब हम प्लांट जैसों की बात करते हैं तो फाइलम की जगह हम किसका नाम लेते हैं, डिवीजन का नाम लेते हैं। तो चार डिवीजन होती है, छोटा छोटा समझते रहना, इसमें मेन आता है कि किस किस काम में आती है हमारी, एस्कोमाइकोटा, क्या बोलते हैं इसको, एस्कोमाइकोटा, सैक फंजाई भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सैक फंजाई, छोटे छोटे थैले, इसमें स्पोर्स बनते हैं, क्या बनते हैं, स्पोर्स, जो फंजाई होती है इसमें स्पोर्स क्या होता है, गोला सा होता है, इसमें छोटे 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 स्पोर्स जन्म ले लेते हैं, ठीक है। और जब ये गोला फूट जाता है तो स्पोर्स हवा के या पानी के थ्रू पूरे में फैल जाते हैं और फिर इनमें रिप्रोडक्शन हो जाता है। फिर क्या बनाती हैं, स्पोर्स बनाते हैं कप, कप जैसे, कप की आकृति के थैलों में, कप की आकृति के सेट में, जो एस्कोमाइकोटा होते हैं ये सैक फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पोर्स बनते हैं जैसे कप होता है ना, ऐसे कप के जैसे बैग से में बनते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल हो जाता है ईस्ट, इसका एग्जांपल कैसा हो जाता है, ईस्ट, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बडिंग, क्या होती है इसमें, बडिंग, बडिंग का मतलब क्या है, जैसे ईस्ट है, इसमें से छोटा सा बाहर को निकलेगा, फिर ये एक दिन इससे अलग हो जाएगा, ये अलग सेपरेट बन जाएगा अपना, ये अलग, फिर बड़ा होके बड़ा बन जाएगा। तो ईस्ट में, और ये स्पोर्स ऐसा मत समझना, ये अंदर ही अंदर हो सकती है किसी स्पोर के अंदर, तो स्पोर्स का अलग है और उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है वो बात अलग है। तो जो ईस्ट होती है इसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग, एसेक्सुअल बडिंग, इसके एग्जांपल हो जाते हैं आपके और एस्परजिलस, एस्परजिलस, ठीक है, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। इसमें एक चीज याद रख लीजिएगा, ये जो मैंने एग्जांपल उठाए ना ये बहुत फेमस, जो एस्पर नाम की फंगस होती है उसमें, उसको क्या कहते हैं, सैक फंजाई भी कहते हैं। उसमें स्पोर्स कैसे बनते हैं, कप के जैसे आकृति के एक सैक या एक बैग में स्पोर्स बनते हैं। ईस्ट में बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होती है, ये वेजिटेटिव भी कह सकते हो। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, ये सब क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं एस्कोमाइकोटा या सैक फंजाई के। अब इसमें प्रोनंसिएशन में बहुत दिक्कत होती है तो समझ लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड वाली
किला को फंजाई, किला फंजाई, किला फंजाई, ठीक है। किला मतलब गोल, बिल्कुल ऐसे जैसे कॉटन की बॉल नहीं होती, इस तरह बॉल के जैसे रूप में स्पोर्ट्स का बनना। इसमें एग्जांपल हो जाता है एगेरिसस, जिसे हम खाने के भी काम में आते हैं, एग्रेकिस, एग्रेकिस जिसे हम खाने में भी काम लेते हैं मशरूम के नाम से। तो मशरूम में आपने देखा होगा एक जैसे मुट्ठी बंद नहीं हो जाती मेरी क्लब, तो मुट्ठी बंद सा होता है ना उसकी जो शेप होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। एग्जाम्पल हो जाता है एग्रेकस, और ये इसका क्या हो जाता है, क्लब फंजाई का एग्जाम्पल, खाने के भी काम आती है। तीसरी होती है जायगोट बनाने वाली, जायगोट बनाने वाली, एक दूसरी फंजाई क्या बनाती है, जायगोट बनाती है या युग्मक बनाती है, इसको बोलते हैं जायगोट, जायगोमाइकोटा। कौन सी वाली एग्जाम्पल हो जाता है इसका, जो ब्रेड बटर वगैरह को खराब करती है, ब्रेड रोटी वगैरह को क्या करती है, सड़ाती है, रोटी वगैरह को सड़ा देती है, डिकम्पोज कर देती है। कौन सी होती है, राइजोपस, राइजोपस जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, रोटी पर लगने वाली फफूंद, राइजोपस। राइजोपस किससे करती है, जायगोट फॉर्म करती है। राइजोपस किस तरह से रिप्रोडक्शन करती है अपनी, ये जायगोट फॉर्म करती है, ठीक है। ये कैसे अपनी वो करती है रिप्रोडक्शन, जायगोट बनाती है, कौन सी, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। अच्छे से याद करना, क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, ब्रेड को सड़ाने वाली कौन सी फंजाई होती है, तो आपका नाम उसका, आपका नहीं, उसका नाम क्या होगा, राइजोपस। नेक्स्ट आती है फोर्थ, ड्यूटेरोमाइकोटा, इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से कहते हैं इसको इम्परफेक्ट। ये पत्ती वगैरह जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनमें बहुत लगती है, इसका नाम क्या होता है, ड्यूटेरोमाइकोटा, ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई, इस फाइलम का नाम है इम्परफेक्ट फंजाई। इसमें कुछ हमारे लिए एडवांटेजेस भी होती है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया की मदद से होता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है किसकी मदद से होता है, कोनिडिया, कोनिडिया, किसकी मदद से होता है, कोनिडिया। ये डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बाकी अलग से। ये तो हो गया बच्चा आपका मेन मेन इंपॉर्टेंट, एक सेकंड, मेन मेन इंपॉर्टेंट फंजाई के डिवीजन। अब जो आपसे मेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फंजाई से होने वाली बीमारी, जैसे एथलीट फूट, रिंग वॉर्म, अर्गॉट, जो राई की सरसों की अर्गॉट डिसीज होती है, इन सब से, और यूजफुल फंजाई कौन कौन सी होती है, तो इसको स्टार लगा के लिख लो, यूजफुल फंजाई, यूजफुल फंजाई हमारे लिए लाभदायक कवक कौन सी होती है, क्योंकि सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनी थी वो किससे बनी थी, फंजाई से बनी थी। तो कई तरह से होते हैं हमारे लिए, जैसे सबसे पहले एंटीबायोटिक की बात करो तो वर्ल्ड की जो सबसे पहले एंटीबायोटिक 1927-28 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो खोजी थी वो किससे मिली थी, एक फंजाई से मिली थी, उसका नाम था पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम, इससे फर्स्ट एंटीबायोटिक मिली थी जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन, क्या नाम था उसका, पेनिसिलिन। आजकल जो पेनिसिलिन कमर्शियल स्केल पर बनती है, इंडस्ट्री से जो बनती है, सस्ती है, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, क्राइसोजिनम से, अच्छे से इसको याद कर लो, ये क्वेश्चन आता है सीजीएल वगैरह में, तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी तो बहुत पूछती है, रेलवे भी पूछ सकती है, कि पहले जो एंटीबायोटिक बनी थी फर्स्ट, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927-28 में बनाई थी, वो किससे बनी थी, तो वो बनी थी पेनिसिलियम नोटेटम से। आज नाउअडेज आज के समय में जो इसका व्यावसायिक उत्पादन होता है, जो पेनिसिलिन कंपनियां बनाती हैं एंटीबायोटिक, ये पेनिसिलिन किसके, बैक्टीरिया को मारने के काम आती है, पेनिसिलिन किसको मारती है, बैक्टीरिया को, किसको मारने के काम आती है, बैक्टीरिया को, ठीक है। तो बैक्टीरिया को किस तरह से, उसकी सेल वॉल बनने से रोक देती है, उसको पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनने से रोक देती है। पेनिसिलिन एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, कल पढ़ाया था ना, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। तो आज जो कंपनियां, दवा कंपनी पेनिसिलिन बनाती है, वो किससे बनाती है, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, क्राई माने रोना, जब बीमारी होती है तो व्यक्ति रोती है ना, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगता है, जो किससे बनती है, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, ठीक है भैया। किसको पेनिसिलिन किसको मारने के काम आती है, बैक्टीरिया को, जीवाणु को,
उसकी कोशिका भित्ति नहीं बनने देती, इसलिए कौन सी श्रेणी में आती है, बीटा लैक्टिन की श्रेणी में। और भी बहुत सारी एंटीबायोटिक है जो हमें फंगस से प्राप्त होती है, जो हमें फंगस से प्राप्त होती है, आगे बात करेंगे। दूसरा देखें तो जो एगेरिकस होती है, ये एगेरिकस और ये मोरशेला, मोरशेला ये फंजाई होती है जिन्हें हम सब्जी के रूप में खाते हैं, मशरूम के रूप में हम, वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। ओके आगे देखेंगे, ईस्ट जो फंजाई होती है इसको एल्कोहल में काम आती है, एल्कोहल इंडस्ट्री में एल्कोहल बनाने के काम आती है, फर्मेंटेशन से आती नहीं आती है, एल्कोहल बनाने के काम आती है। एक जो बेकरी, जो बेकरी और ब्रेड वगैरह बनाने के, बेकरी उद्योग या ब्रेड बनाने के जो काम आती है, लिख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने के काम जो ईस्ट आती है उसका नाम है सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस क्यों, क्योंकि सैकर पॉलीसैकेराइड को पचाती है, तो इसका नाम क्या हो गया, सैकेरोमाइसिस सर्वेसी, सैकेरोमाइसिस सर्वेसी, ये वो फंगस होती है, ये वो ईस्ट होती है, फंजाई होती है जो बेकरी उद्योग में ब्रेड वगैरह बनाने के काम आती है, केक वगैरह बनाने के काम आती है, जिससे ब्रेड बहुत ज्यादा फफस हो जाता है, बहुत ज्यादा मुलायम हो जाता है। अच्छे से सुन लो, बेकरी उद्योग में ब्रेड बनाने में सैकेरो, याद करने में कुछ ही नहीं भाई, पॉलीसैकेराइड होते हैं ना ग्लूकोज, ग्लूकोज सैकेराइड होता है, तो सैकेरोमाइसिस ग्लूकोज को, तो जो ब्रेड वगैरह होते हैं उसमें ग्लूकोज ही तो होता है मेनली, और सर्वीसी, ठीक है, सर वी सी सी आर वी आई एस आई ए, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि इसमें से कौन सी ईस्ट का ब्रेड वगैरह बनाने में काम आती है, इनमें से कौन सी खाने के काम आती है। आगे बताऊंगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट फंजाई, बस लास्ट चल रहा है, परेशान मत होना। उसके बाद में इससे कुछ एंजाइम भी बनते हैं, इससे क्या बनते हैं, कुछ एंजाइम, कुछ हमें एंजाइम भी प्राप्त होते हैं, जैसे ईस्ट, ईस्ट से हमें एंजाइम प्राप्त होता है इन्वर्टेज, कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है, इन्वर्टेज, जाइमेज, ये हमें एंजाइम भी मिलते हैं, ईस्ट से हमें कुछ एंजाइम भी मिलते हैं। और पांच स्टार लगा के क्वेश्चन लिख लो, ल्यूसेंट में विटामिन डी दे रखा है कि हमें ईस्ट से क्या मिलता है, विटामिन डी, आप लिख लो विटामिन बी टू, हमें विटामिन बी टू की भी प्राप्ति होती है, जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, अच्छे से लिख लो, ईस्ट से हमें विटामिन बी टू की प्राप्ति होती है, जिसे क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, ठीक है। और भी बहुत सारी फंगस होती है जिनसे किसी से विटामिन बी ट्वेल्व भी मिलता है हमें, साइनोकोबेलामीन, जैसे होता है ये एस बायगा गोसाइपी, एस बाया गोसाइपी, इसको ने स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिस्कस, इससे हमें विटामिन बी ट्वेल्व की प्राप्ति होती है, और ईस्ट से हमें क्या मिलता है, विटामिन बी टू, राइबोफ्लेविन, लिख लेना इसको अच्छे से भैया। एक एक फंजाई होती है जिसका नाम होता है क्लेविसेप्स परपुरिया, परपुरिया, ठीक है, क्लेविसेप्स परपुरिया, इसको अर्गोट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अर्गोट, सरसों की अर्गोट डिसीज, सरसों की अर्गोट डिसीज जो होती है इसी के कारण होती है, सरसों में क्या करती है, बीमारी करती है, अर्गोट डिसीज, क्या नाम है इसका, क्लेविसेप्स परपुरिया। जबकि मनुष्य में इसके दो कार्य होते हैं, एल एस डी, किसको पता है ये एल एस डी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, डाई इथाइल एमाइड, एलएसडी। बच्चा जो लोग दवाई वगैरह गोली वगैरह नहीं खाते, ऐसी गोलियां जिनसे हेल्यूसिनेशन हो जाता है, मतलब वो कहते हैं ना इसको क्या बोलूं, ड्रग्स, ड्रग्स के रूप में लेते हैं एलएसडी की गोलियां अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। एलएसडी की गोलियां कौन सी फंजाई से मिलती है, क्लेविसेप्स परपुरिया, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, एलएसडी, ये ड्रग्स के रूप में ली जाती है नशा वगैरह करने के लिए, ठीक है, एलएसडी। दूसरा इसका एक और काम होता है कि जब महिला बच्चे को जन्म दे रही होती है डिलीवरी के समय पर, बच्चे की डिलीवरी के समय पर, तो गर्भाशय को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, गर्भाशय के संकुचन के लिए ये गोली वगैरह दी जाती है, जिससे गर्भाशय क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है,
और डिलीवरी आसान हो जाती है। तो आपका ये जो है क्लेरी सेप्स प्योरी प्यूरिया, जिसे अर्गोट भी बोलते हैं, ये गर्भाशय काम भी आती है और एलएसडी नाम की दवाइयां भी बनती है। दूसरी तरफ जो आपका ये फंजाई होती है, ये पॉल्यूशन वगैरह को बताने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। लाइक ऐसी फंजाई या ऐसी वैरायटियां जो पॉल्यूशन बताती हैं, उनको इंडिकेटर स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर स्पीसीज, जिनमें लाइकन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइकन नाम का एक फंजाई और एल्गी, इन दोनों का संयुक्त रूप होता है। फंजाई और एल्गी का संयुक्त रूप लाइकन, LICHEN, लाइकन, ठीक है भैया। तो ये भी इंडिकेटर स्पीसीज है। दूसरी तरफ एक एस्परजिलस नाइजर नाम की प्रजाति होती है, जो जिंक कॉपर मोलिब्डेनम इनको पता करने के लिए होती है कि क्या ये फूड चेन में ये मौजूद है। तो एस्परजिलस नाइजर नाम की जो फंजाई होती है, जिंक कॉपर मोलिब्डेनम, क्या ये फूड चेन में मौजूद है, इसका पता लगाने के लिए होती है। किसका काम करती है? इंडिकेटर। जो मासिया होती है, ये बड़े प्लांट से होते हैं, इनके रूट्स में पाई जाती है। और प्लांट और फंजाई के बीच में क्या होती है? सिंबायोटिक रिलेशनशिप होती है, माइकोजिया, जिस तरह लाइकन फंजाई और एल्गी के बीच में होती है। तो आप बताओ कि आपको कितना, एक बार नोट्स पढ़ना, एक बार इनको अच्छे से रिवाइज करना, फिर हम कल इनके क्वेश्चन, कल मैं सोच रहा हूं कि किसी भी तरह एक क्लास लगा के, क्योंकि ये सब पढ़ाना बेकार है फिर अगर इसके क्वेश्चन नहीं हुए। हाँ, हमने कहां से पढ़ा है? बैक्टीरिया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने पढ़ा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस पढ़े हैं हमने, इनके क्वेश्चन हमने बैक्टीरिया है, इसके क्वेश्चन हमने प्रोटिस्टा पढ़े हैं, इसके क्वेश्चन हमने फंगस पढ़ी है, इसके क्वेश्चन, इन चारों के कम से कम 100 क्वेश्चन हम लोग करें, जिससे कि पूरा आपका तैयार हो जाए। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्लांट होंगे। कौन सी किंगडम होगी? प्लांट, जिसका आपको बहुत दिन से इंतजार था। सर प्लांट नहीं करवाए, प्लांट नहीं करवाए, धोखा दे दिया, ये कर दिया। तो नहीं देखते कि यार एक ही मास्टर है, आपको चार चार सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सारे अच्छे लेवल के पढ़ा रहा है, किसी में भी बेईमानी नहीं कर रहा। अभी भी जितना बुक में था उसी को पढ़ा सकता था, लेकिन रिसर्च करी, समझा, सोचा, तब जाके आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई। कैल्प्स लैमिनेरिया, ये वो प्रोटिस्ट होते हैं जिनको खाते हैं, ठीक है बच्चा। तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सब लोग। और जो लोग ग्रुप डी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ वीडियो की, एसएससी जूडी की तैयारी कर रहे हैं, सब में आएगा। आप लोगों को लिंक में टेस्ट सीरीज का लिंक दे रखा है, आप टेस्ट सीरीज खरीदना मत भूलिएगा। अभी से लगाते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछते रहिए। अभी हमारा सिस्टम भी जल्दी जम जाएगा, लेकिन सच बताऊं ना आप लोगों को, दिल से बता रहा हूं मैं, बेशक आप 2-2.5 लाख हो गए, पर पता नहीं मेरा मन कभी कभी ऐसा करता है यार, मैंने सारा अपना सब कुछ, अपने कागज वगैरह लगा के, डॉक्यूमेंट लगा के मैं सब कुछ कर दूं, पैसे लेके मैं सेटअप भी बना दूं, फिर भी अगर आप लोग देखने नहीं आओगे, फिर भी आपको चूड़ी पसंद आएंगे तो मैं क्या करूंगा, फिर हंसी उड़ेगी। पर मैं सोचता हूँ चलो जाने दो, ये तो कोई बात नहीं है, अपना काम कर ही जाओ, एक ना एक दिन तो जिस तरीके से काम करते हैं ना, ये पेपर में तो आएगा, दुनिया की कोई इसको पेपर में आने से रोक दे, अगर पेपर सही से बने। मैं आपको इसको यूपीएससी के पेपर, हर एक पेपर में आज से होने, अब से जो भी पेपर हुआ करेंगे। और इसी के साथ आप टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना, जितने भी आपके वीडियो एसएससी जीडी और ग्रुप डी वाले हैं, और कोई समस्या हो तो प्लीज व्हाट्सएप वगैरह या कमेंट में मुझसे पूछ लिया कीजिए, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगला टॉपिक हमारा किंगडम प्लांट होगा, जिसमें हम टेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेलिडोफाइटा सबको पढ़ते हुए चलेंगे, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, प्लांट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, अच्छे से उसके नोट्स बनाइएगा। और उसके बाद में एनिमल्स, जितने के कॉर्ड आटा, हेमी कॉर्ड आटा, ये सब जितने होते हैं। और फिर 2-3 टॉपिक और बचेंगे, बायोलॉजी आपकी समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओके, और शेयर करना। हाँ, ऑफलाइन कमेंट करके भी बताना कि क्या आज का टॉपिक आपको समझ में आया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आज का टॉपिक समझाने की कोशिश अच्छे से की है। अब एक दो बार आप उन चीजों को पढ़ोगे तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है भैया। ओके, थैंक यू, जय हिंद, टाटा बाय बाय, सी यू। ज्ञान ज्योति, बकवास ना करो, समझे ना, तुम जैसे बस ऐसे बोल सकते हो। उसको ज्ञान ज्योति को क्यों नहीं डिलीट मारा, भगाओ इसको यहां से।